बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम सबक पढ़ेंगे अपनी मदद आप। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आज हमें सर सैयद के इस सबक में क्या क्या मुफीद बातें सीखने और समझने का मौका मिलता है। तो सर सैयद हमें ये बताते हैं कि असली गुलाम कौन है। एक गुलाम तो उसको समझा जाता है जिसे कोई जालिम शख्स खरीद लेता है और वो उसका आका कहलाता है, और इसके बाद जालिम के आका पर गुलाम की जिंदगी का दारोमदार होता है, और जो आका उसको खाने को देगा गुलाम को वही खाना पड़ेगा, जो आका उसको पहनने को देगा गुलाम को वही पहनना पड़ेगा। ना तो गुलाम अपनी मर्जी का कुछ खा सकता है, ना गुलाम कुछ अपनी मर्जी का पहन सकता है, ना गुलाम अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकता है। तो इस तरह गुलाम की जिंदगी बड़ी हकारत वाली जिंदगी होती है। लेकिन सर सैयद एक और गुलाम की तरफ इशारा कराते हैं और सर सैयद बताते हैं कि असल गुलाम वो है कि जो बद अखलाक है, असली गुलाम वो है कि जो खुद गर्ज है, असली गुलाम वो है जिसमें जहालत है, और असली गुलाम वो है जो शरारत का कहना मानता है, असली गुलाम वो है जो कौम की हमदर्दी की परवाह नहीं करता। सर सैयद के ख्याल से असल गुलाम वो है। आगे बढ़कर सर सैयद बताते हैं कि गवर्नमेंट के इंतजाम की क्या हैसियत है, यानी गवर्नमेंट अगर अच्छे इंतजाम कर भी ले, तरक्की वाले काम होने भी लग जाएं, तो उनकी क्या हैसियत है। उनकी हैसियत फानूसे ख्याल से ज्यादा की नहीं है। फानूसे ख्याल, इसमें दीवार पर हमें तरह तरह की तस्वीरें फिरती हुई तो दिखाई देती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो तस्वीरें ही हैं और इनके अलावा कुछ भी नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस पैराग्राफ की टेक्स्ट रीडिंग करते हैं। जबकि हर शख्स और कुल कौम खुद अपनी अंदरूनी हालतों से आप अपनी इसलाह कर सकती है, तो इस बात की उम्मीद पर बैठे रहना के बेरूनी जोर, बेरूनी कोशिश इंसान की या कौम की इस्लाह व तरक्की करे, किस कदर अफसोस बल्कि नादानी की बात है। हर शख्स अपनी इस्लाह खुद कर सकता है, हर कौम अपनी इस्लाह खुद कर सकती है। अब अगर हम इस चीज का इंतजार करें कि कोई बेरूनी कोशिश हो तो फिर इससे बेहतरी आए, तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। वो शख्स दर हकीकत गुलाम नहीं है जिसको खुदा ना तरस, खुदा ना तरस जिसे खुदा का खौफ ना हो, ने जो उसका जालिम आका कहलाया जाता है खरीद लिया है, या एक जालिम और खुद मुख्तार बादशाह या गवर्नमेंट की रईयत है, रईयत है, रियाया है, बल्कि दर हकीकत वो शख्स असली गुलाम है जो बद अखलाकी, खुद गर्जी, जहालत और शरारत का मुती, मुती कहना मानने वाला, अतात करने वाला, और अपनी खुद गर्जी की गुलामी में मुबतला, मुबतला शिकार, और कौमी हमदर्दी से बेपरवाह है। तो सर सैयद बताते हैं कि आम तौर पर उस शख्स को गुलाम समझा जाता है कि जिसको दौलत के एवज खरीदा जाए, और गुलाम की अपनी जिंदगी वो आका के ही रहमो करम पर होती है। इसी तरह एक कौम भी दूसरी कौम की गुलाम बन जाती है, जिस तरह बर्रे सगीर के मुसलमान हुकूमत बरतानिया के गुलाम हुए। लेकिन सर सैयद का ये ख्याल है कि ये असली गुलामी नहीं है, बल्कि दर हकीकत वो शख्स असली गुलाम है जो बद अखलाकी,
खुदगर्जी, जहालत और शरारत का मुती और अपनी खुदगर्जी की गुलामी में मुबतला और कौमी हमदर्दी से बेपरवाह है। असल गुलाम तो वो है कि जो बद अखलाक है, असल गुलाम तो वो है जो सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचता है, असल गुलाम तो वो है कि जिसमें जहालत कूट कूट के भरी हुई है, असल गुलाम तो वो है जो हर वक्त शरारतों का सोचता रहता है, असल गुलाम तो वो है जिसे कौम की कोई हमदर्दी नहीं, ये है असल गुलाम। और ये शख्स जो है हकीकी मानों में इसकी जिंदगी घटिया और बदतर है, और यही शख्स जो है असल में गुलाम कहलाने के काबिल है। वो कौमें जो इस तरह दिल में गुलाम हैं, वो बैरूनी जोरों से, बैरूनी जोरों यानी उम्दा गवर्नमेंट या उम्दा कौमी इंतजाम से आजाद नहीं हो सकती जब तक के गुलामी की ये दिली हालत दूर ना हो। अगर हमारे अंदर बद अखलाकी है, अगर हमारे अंदर खुदगर्जी है, अगर हमारे अंदर जहालत है, अगर हमारे अंदर शरारतें हैं, हम दूसरों के नुकसानात पर खुश होते हैं, तो हमें अगर आजादी मिल भी जाए तो हम अपने दिल में गुलाम ही रहेंगे, चाहे हुकूमत जितने मर्जी अच्छे इंतजाम कर ले। तो जरूरत इस बात की है कि हमें अपने दिल से गुलामी को खत्म करना है, हमें अपने अंदर दूसरों के लिए एहसास लेकर आना है। असल ये है कि जब तक इंसानों में ये ख्याल है कि हमारी इस्लाह और तरक्की गवर्नमेंट पर या कौम के उम्दा इंतजाम पर मुनहसिर है, उस वक्त तक कोई मुस्तकिल और बर्ताव में आने के काबिले नतीजा इस्लाह और तरक्की का कौम में पैदा नहीं हो सकता। अगर हमारी यही सोच है कि गवर्नमेंट ने इंतजाम करने हैं, तो फिर कोई मुस्तकिल और बर्ताव में आने का नतीजा हमारी कौम में नहीं आ सकता। वो कैसी ही उम्दा तब्दीलियां गवर्नमेंट या इंतजाम में की जावे, वो तब्दीलियां फानूस ख्याल से कुछ ज्यादा रुतबा नहीं रखती, जिसमें तरह तरह की तस्वीरें फिरती हुई दिखाई देती हैं, मगर जब देखो तो कुछ भी नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, सर सैयद की तहरीर की खास बात यह है कि ये रोजमर्रा जिंदगी से इस्तदलाल करते हैं और अपने मजमून को, अपनी बात को दलील से समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहां सर सैयद ने फानूस ख्याल की मिसाल दी। फानूस ख्याल आप ये समझें कि शीशे का एक खोल है और उस खोल पर कुछ तस्वीरें लगा दी गई हैं, और उस शीशे के खोल में एक शमा रोशन कर दी गई है। अब जब शमा रोशन होती है तो शीशे के खोल पे जो तस्वीरें बनी हुई हैं उनका अक्स हमें दीवार पर नजर आता है, यानी आजकल के दौर के मुताबिक आप इसको प्रोजेक्टर कह सकते हैं कि हमें दीवार पर मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। असल में सर सैयद फानूस ख्याल की मिसाल से समझाना ये चाहते हैं कि असल में अगर गवर्नमेंट कुछ कर भी ले तो उससे हमारी जाती जिंदगी में बेहतरी नहीं आ सकती। हमारी जाती जिंदगी में बेहतरी तब ही आएगी जब हम अपनी मदद आपका सूल अपनाएंगे, जब हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो इसी से ही हमारी जिंदगी में बेहतरी आएगी। अगर हुकूमत कुछ इंतजाम कर भी ले तो वो ऐसे ही है जैसे दीवार पर हमें तस्वीरें नजर आ रही हैं। दीवार पर तस्वीरें तस्वीरें ही हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मिसाल के तौर पर दीवार पर अगर किसी फल की तस्वीर है तो वो फल हम खा नहीं सकते, दीवार पर अगर किसी घर की तस्वीर है तो हम उस घर में रह नहीं सकते, हम सिर्फ तस्वीरें देख सकते हैं, उनसे फायदा नहीं उठा सकते। इसी तरह गवर्नमेंट अगर कुछ काम कर भी लेती है तो वो हम सिर्फ देख ही सकते हैं, जाती जिंदगी में अगर हमने फायदा उठाना है तो वो हमें अपने तौर पर ही मेहनत करनी होगी, तभी हमें फायदा होगा। तो सर सैयद ने खूबसूरत अंदाज से हमें ये बताया कि गवर्नमेंट के इंतजाम का इंतजार ना किया जाए, असल में हमने खुद ही मेहनत करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आगे सर सैयद हमें यह बताते हैं
कि अगले जो दो पैराग्राफ हम पढ़ने लगे हैं ये बोर्ड के ख्याल से, बोर्ड वालों के ख्याल से तशरीह के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहम है। तो इसमें हमें ये बताया गया है या बताया जा रहा है कि हमारा ख्याल है कि कोई खिजर मिले, खिजर, खिजर जो है इसका जिक्र कुरान मजीद में भी है, इन्होंने हजरत मूसा के साथ सफर किया, लेकिन यहां पर मुराद ये वो वाले खिजर नहीं है, बल्कि खिजर एक दास्तानवी किरदार है। खिजर ने आबे हयात भी रखा है और खिजर जो है वो भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाता है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई खिजर मिले, हमारा हाथ थामे और हमें अपनी, हमारी मंजिल तक पहुंचा दे, या फिर गवर्नमेंट फयाजी का मुजाहरा करे। गवर्नमेंट जो है वो सखावत का मुजाहरा करे, गवर्नमेंट अच्छे इकदाम करे। तो इसका मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमें खुद कुछ ना करना पड़े, गवर्नमेंट करे या कोई खिजर करे। अगर हमारी ऐसी ही सोच रहे, अगर हम ऐसी ही बातों से रहनुमाई हासिल करें, तो फिर हम कभी भी आजाद नहीं हो सकते, बल्कि हम इंसान परस्त हो जाएंगे, हम तो बस दूसरे इंसानों का इंतजार ही करते रहेंगे। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो फिर हम ऐसे ही हकीर हो जाएंगे जैसे कोई दौलत की परस्तिश से इंसान हकीर और जलील हो जाता है। और असल बात तो यह है कि जिस बात की वजह से लोगों ने तरक्की की है, जिस असूल की वजह से लोगों ने तरक्की की है, कौमों ने तरक्की की है, वो अपनी मदद आप ही है। असल में हमने इसको समझना है, फिर हम खिजर का इंतजार नहीं करेंगे। और अपनी मदद आपका असूल ऐसा असूल है कि ये हमारी बुराइयों को खत्म करता है। और अगर हम औरों पर भरोसा करते रहेंगे तो फिर एक दिन आएगा कि हम खुद ही खत्म हो जाएंगे। इंसान की कौमी तरक्की की निस्बत हम लोगों के ये ख्याल है कि कोई खिजर मिले, मतलब सोचना तो ये चाहिए मैं अपने कौम के काम आऊं, मैं अपने मुल्क की खिदमत करूं, लेकिन ये ख्याल नहीं है। ख्याल ये है कि कोई खिजर मिले। खिजर ये एक दास्तानवी किरदार है और इसने आबे हयात भी रखा है, और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा हाथ थामा जाए, कोई खिजर आए और हमें हमारी मंजिल पर पहुंचा दे, हमारी मुश्किलें आसान कर दे, ये हम ये चाहते हैं। या गवर्नमेंट फयाज हो, या गवर्नमेंट इकदाम करे, हमें खाने को दे, हमारी जरूरियात पूरी करे, हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट सब कुछ करे और हमारे सब काम कर दे। इसके ये मानी है कि हर चीज हमारे लिए की जावे और हम खुद ना करें। इसका मतलब ये है कि हम पकी पकाई खीर खाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे मुंह के अंदर कोई नवाले तोड़ तोड़ के डाले। इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हमें कोई जादू का चिराग मिल जाए और हमारे सारे काम हो जाएं, और असल में हमें खुद कुछ ना करना पड़े। ये ऐसा मसला है, अगर इसको हादी और रहनुमा बनाया जाए जावे तो तमाम कौम की दिली आजादी को बर्बाद कर दे। अगर हमारी ऐसी ही सोच रही कि खिजर मिले, कोई रहबर आए, गवर्नमेंट करे, अगर हम ऐसी बातों से ही हदायत लेते रहे, रहनुमाई लेते रहे, तो तमाम कौम की दिली आजादी बर्बाद हो जाए और आदमी इंसान परस्त हो जाए, हम रहबरों का इंतजार ही करते रहे। रहबर आएगा, हमारी मुश्किलें आसान करेगा। हकीकत में ऐसा होना कुव्वत की परस्तिश है। कुव्वत की परस्तिश दूसरों के जोरे बाजू पर इन्हेसार करना, कुव्वत की परस्तिश दूसरों के जोरे बाजू पर इन्हेसार करना, इसके नताइज इंसान को ऐसा ही हकीर बना देते हैं जैसे कि सिर्फ दौलत की परस्ती से इंसान हकीर और जलील हो जाता है। तो यहां सर सैयद हमें एक बात समझा रहे हैं कि जो दौलत से प्यार करता है उससे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई इज्जत नहीं करता, क्योंकि दौलत की परस्तिश करने वाला दौलत को अहमियत देता है, दोस्ती को अहमियत नहीं। दौलत से प्यार करने वाला
दौलत को अहमियत देता है, रिश्तों को और ताल्लुकात को अहमियत नहीं देता, तो वो दौलत को तो सीने से लगा लेता है लेकिन उसके अपने उससे दूर हो जाते हैं और उसकी कोई कदर नहीं करते। तो जो दौलत की परस्तिश करता है वो हकीर हो जाता है, वो जलील हो जाता है। तो जैसे दौलत की परस्तिश करने वाला जलील हो जाता है, इसी तरह ही ऐसा शख्स जो सहारे ढूंढता है, ऐसा शख्स जो अपने काम खुद नहीं करता, ऐसा शख्स जो दूसरों के एहसान लेता है, वो भी जलील हो जाता है। कहा जाता है एहसान जुबान को रोकता है, अल एहसानो यक्ता उल लिसान। अगर हम किसी का एहसान उठाते हैं तो फिर मुस्तकबिल में हम लोग जलील भी हो सकते हैं, हम लोग उस शख्स के सामने शर्मिंदा भी हो सकते हैं, लिहाजा बेहतर यह है कि हम अपना काम खुद करें। कहा जाता है आप काज महाकाज, सबसे अच्छा काम वही है जो हम खुद करें। अगर हम अपने काम खुद करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी जहनी हमारी जिस्मानी सलाहियतों पे निखार आता है, और अगर हम अपना काम खुद नहीं करते, हमारी जहनी हमारी जिस्मानी सलाहियतों को जंग लग जाता है और हम मुस्तकबिल में नुकसान उठाते हैं। तो सर सैयद ने बड़े खूबसूरत अंदाज से हमें यह समझाया कि अपनी मदद आप करनी चाहिए और अपने काम खुद करने चाहिए। अगले पैराग्राफ में भी सर सैयद ने ऐसी ही बातें की हैं। बड़ा सच्चा मसला और निहायत मजबूत, जिससे ज्यादा दुनिया की मुअज्जिज कौमों ने इज्जत पाई है वो अपनी आप मदद करना है। जिस वक्त लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे और काम में लावेंगे तो फिर खिजर को ढूंढना भूल जावेंगे, काम में लावेंगे। ये सर सैयद अहमद खान ने पुरानी उर्दू का इस्तेमाल किया है, लावेंगे, लाएंगे नहीं लावेंगे। तो सर सैयद बताते हैं कि असल मसला ये है कि हम अपनी मदद आपकी अहमियत को नहीं समझ रहे। तो जो मजबूती अपनी मदद आप में है जिस दिन हमने सीख ली, तो फिर हमारा शुमार भी दुनिया की इज्जत वाली कौमों में हो जाएगा, क्योंकि जिन कौमों ने भी अपनी मदद आप की, जिन लोगों ने भी मेहनत की, वो कौमें जो है दुनिया की इज्जतदार कौमें बनी। अगर हमने इस असूल को समझ लिया कि मेरी लर्निंग के लिए, मेरे सीखने के लिए अपनी मदद आप जरूरी है, तो फिर खिजर का इंतजार कोई भी नहीं करेगा। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, तकलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकुशी, तकलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकुशी, रास्ता भी ढूंढ खिजर का सौदा भी छोड़ दे, रास्ता भी ढूंढ खिजर का सौदा भी छोड़ दे। तो हमें अपनी राहें खुद तलाश करनी है, हमें अपनी मंजिल पर खुद पहुंचना है, और खिजर का इंतजार करना, खिजर की तलाश करना, ये तो सरासर हमाकत है, बेवकूफी है। औरों पर भरोसे और अपनी मदद आप, ये दोनों असूल एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ है। औरों पर भरोसा, मेरा काम कोई और करेगा, अपनी मदद आप, नहीं नहीं मैं अपना काम खुद करूंगा, ये दोनों असूल बिल्कुल ऐसे ही मुखालिफ हैं। जैसे अंधेरा और उजाला, जैसे बहार और खिजां, ऐसे यही असूल एक दूसरे के उलट है। पिछला इंसान की बदियों को बर्बाद करता है, पिछला यानी अपनी मदद आप, अपनी मदद आप का असूल अगर हम बनाएंगे तो हमारी जात के अंदर से जो बुराइयां हैं, जो खामियां हैं, वो दूर होंगी और हम बेहतर इंसान बनेंगे, हमारी सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। और पहला खुद इंसान को, अगर हम औरों पर भरोसा करते रहे तो फिर ऐसा ही है कि जैसे हमने दूसरों का एहसान कबूल कर लिया, और इससे हमारी इज्जत नफ्स पर चोट आएगी, इससे हमारी खुददारी को आंच लगेगी और हम दूसरों का सामना भी नहीं कर सकेंगे। लिहाजा सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम अपनी मदद आप खुद करें और अपने काम खुद अपनी मेहनत से करें, इससे हम सीखेंगे भी, हमें भी फायदा होगा और पूरी कौम को भी फायदा होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे सर सैयद हमें विलियम ड्रैगन के बारे में बताते हैं। विलियम ड्रैगन, ये इनका ताल्लुक आयरलैंड से था, 1799 में ये पैदा हुए, 1867 यानी 67 में ये डबलिन में इनका इंतकाल हुआ। ये एक दफा एक नुमाइश गाह में गए और इन्होंने यहाँ यही बात की
कि हम उस वक्त तक आजाद नहीं हो सकते कि जब तक हम मेहनत ना करें। जब हम मेहनत करेंगे तो हमें भी आजादी मिलेगी, हमें भी एक ऐसी जिंदगी मिलेगी जो खुशी और आजादी की होगी। अब इसकी रीडिंग करते हैं। कौमी इंतजाम या उम्दा कवानीन के इजरा की ख्वाहिश, ये भी एक कदीमी गलत ख्याल है। कौमी इंतजाम हों, उम्दा कानून जारी किए जाएं, ये पुराना ख्याल है। सच्चा असूल वो है जो विलियम ड्रागन ने डेबलन की नुमाइश गाहे दस्तकारी में कहा। दस्तकारी वो नुमाइश जहां हाथ से बनाई हुई चीजें मौजूद थी, तो वहां ये विलियम ड्रागन ने कहा। और विलियम ड्रागन कौन था? एक बड़ा खैरखा आयरलैंड का था, ये आयरलैंड का एक इस्लाहकार था। उसने कहा, जिस वक्त मैं आजादी का लफ्ज सुनता हूं उस वक्त मुझको मेरा मुल्क और मेरे शहर के बाशिंदे याद आते हैं। जिस वक्त मैं आजादी का लफ्ज सुनता हूं, जब मेरे कानों में आजादी का लफ्ज गूंजता है, मुझे मेरा मुल्क आयरलैंड याद आता है, मुझे मेरा शहर डेबलिन याद आता है। हम अपनी आजादी के लिए बहुत सी बातें सुनते आए हैं, मगर मेरे दिल में बहुत बड़ा मजबूत यकीन है कि हमारी मेहनत, हमारी आजादी हमारे ऊपर मुनहसिर है। तो बच्चों, बात यह है कि आयरलैंड पर भी हुकूमत बरतानिया ने कब्जा किया हुआ था। आयरलैंड पर भी हुकूमत बरतानिया जो थे उसने गुलामी की फिजाओं को कायम कर दिया था, और आयरलैंड के लोग जो थे वो गुलामी की हबस आलूद फिजाओं में सांस ले रहे थे, और वो अपनी ही जमीन के वसाइल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि हुकूमत बरतानिया ने आयरलैंड पर कब्जा कर लिया। तो विलियम ड्रागन ये बताते हैं कि हम ये सुनते आए हैं कि हुकूमत बरतानिया यहां से चली जाएगी और हमें आजादी मिल जाएगी, हम ऐसी बातें आए दिन सुनते रहे हैं, मगर मेरे दिल में बड़ा मजबूत यकीन है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि हमारी मेहनत, हमारी आजादी हमारे ऊपर मुनहसिर है। हमें कोई आसमान से कोई फरिश्ता आके आजादी नहीं दिलाएगा, बल्कि असल में हमने आजादी खुद ही हासिल करनी है। मैं यकीन करता हूं अगर हम मेहनत किए जावे, अपनी कुव्वतों को ठीक तौर पर इस्तेमाल करें, तो इससे ज्यादा हमको कोई मौका या आइंदा की कभी ताकतवर तवक्को अपनी बेहतरी के लिए नहीं है। असल में हमने मेहनत करनी है अपनी कुव्वतों को, अपनी सलाहियतों को, चाहे वह जहनी सलाहियतें हैं चाहे वह जिस्मानी सलाहियतें हैं, हमने इनको ठीक इस्तेमाल करना है, इसी से बेहतरी मिलेगी, वरना हमें कोई बेहतरी नहीं मिलेगी। इस्तकलाल और मेहनत कामयाबी का बड़ा जरिया है। इस्तकलाल साबित कदमी, डट जाना है, मुश्किल हालात आते हैं, कदम डगमगाते हैं, लेकिन कदमों को डगमगाने नहीं देना, बल्कि पहाड़ की तरह खड़े हो जाना है और हालात का मुकाबला करना है, मेहनत करते चले जाना है, तो इससे हमें कामयाबी मिलेगी। जैसा कि कहा जाता है कि मेहनत से सब बंद दरवाजे खुल जाते हैं, तो विलियम ड्रागन ने इस नसर पारे में हमें मेहनत की तलकीन की है। वो कहते हैं, अगर हम एक दिली वलवले और मेहनत से काम किए जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि थोड़े जमाने में हमारी हालत भी एक उम्दा कौम की मानिंद आराम और खुशी और आजादी की हो जाएगी। अगर हम दिली वलवले, दिल के जोश के तहत काम करते रहे, अगर हम मेहनत के असूल को अपनाते रहे, तो मुझे यकीन है कि ज्यादा देर नहीं लगेगी, ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा, हमारी हालत भी एक उम्दा कौम की होगी, हम भी आराम के दिन गुजारेंगे, हम भी खुशियों के दिन देखेंगे, हमें भी आजादी मिलेगी, हमें भी तरक्की के मौके देखेंगे, हमारे पास भी खुशहाली आएगी, लेकिन ये होगा तब कि जब हम मेहनत को अपनाएंगे। बिन मेहनत कुछ हाथ ना आए, हाथ आए नादारी, बिन मेहनत कुछ हाथ ना आए, हाथ आए नादारी, मेहनत ऐसा जादू जिससे रेत बने फुलवारी, मेहनत ऐसा जादू जिससे रेत बने फुलवारी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये सीखा कि हमें भी अपनी मदद आपके असूल को अपनाना है और हमें भी मेहनत करनी है ताकि हम भी दुनिया में इज्जत और शोहरत और नेकनामी हासिल कर सकें। शुक्रिया।